बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जाता है कि अ बैड डे विद कॉफ़ी इज़ बेटर देन अ गुड डे विदाउट इट। कॉफ़ी लवर्स को तो पता ही होगा कि कॉफ़ी का एक कप उनका दिन बनाने के लिए कितना अहम है। लेट्स मेक कॉफ़ी। 1/8 कप कॉफ़ी, 1/4 कप की गोल्ड कॉफ़ी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप नेस्कैफे की प्लेन कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/8 कप शुगर ऐड करेंगे। एंड 1/8 कप वाटर। बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे यहाँ तक कि मिक्सचर क्रीमी फॉर्म में आ जाए। या मैं आप लोगों से एक बात शेयर करती चलूँ कि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि जब वो मिक्सचर बनाते हैं तो वो सही तरह से क्रीमी फॉर्म में नहीं आता, नीचे पानी रह जाता है। उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि आप लोग क्वांटिटी सेम नहीं रखते। हम लोग चीनी और कॉफ़ी को तो मैयर कर लेते हैं लेकिन पानी अंदाजे से डाल देते हैं जिससे हमारी कॉफ़ी ख़राब हो जाती है। ऐसी कॉफ़ी को आप कितना भी बीट कर लें, चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट, लेकिन वो कॉफ़ी ठीक से क्रीमी फॉर्म में नहीं आएगी। ऊपर थोड़ी सी क्रीम होगी लेकिन नीचे पानी होगा। आप इंग्रेडिएंट्स को कप की बजाय स्पून के साथ भी मैयर कर सकते हैं। अगर आप एक कप कॉफ़ी बनाना चाह रहे हैं तो उसमें 1 स्पून शुगर, 1 स्पून कॉफ़ी और 1 स्पून ही वाटर ऐड करेंगे। इसी तरह आप जितने कप बनाना चाहते हैं आप उतने स्पून क्वांटिटी ले लीजिए। कॉफ़ी का मिक्सचर रेडी होने के करीब है। मैं इसे थोड़ा शॉर्ट बीट करूंगी। मिक्सचर रेडी हो चुका है। हमें कुछ इस तरह का मिक्सचर चाहिए। दूध मैंने पहले से बॉईल कर लिया है और थर्मस में निकाल लिया है। स्पून से कॉफ़ी कप के अतराफ में लगा लीजिए। जो रेडी मिक्सचर है ना, ये बस वो 1 चम्मच 1 कप के लिए काफ़ी होता है। दूध ऐड कर लेंगे। अगर आप बेहतरीन सी कॉफ़ी बनाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए।
कॉफ़ी रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो कुछ कॉफ़ी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बताती चलूँ कि ये जो कॉफ़ी का तैयार मिक्सचर है, इसका 1 चम्मच 1 कप कॉफ़ी के लिए बेहतरीन है। आप रेसिपी ट्राई करने के बाद कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कॉफ़ी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखिए। आमीन।